कि कर्तव्यों से मुमोरे पर अधिकार दिखाई देता है। कर्तव्यों से मुमोरे पर अधिकार दिखाई देता है। उपकार शब्द ही भूल चुके अपकार दिखाई देता है। गहनों से लदा हुआ नंगा श्रृंगार दिखाई देता है। निर्वाह लाज का ही नारी को भार दिखाई क्या कहने लगा। वाह 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 वाह। गहनों से लदा हुआ नंगा श्रृंगार दिखाई देता है। निर्वाह लाज का ही नारी को भार दिखाई देता है। आचार कहाँ अवशेष रहा व्यभिचार दिखाई देता है। हर व्यक्ति भेड़िए से ज्यादा खूंखार क्या कहने। वाह वाह। आचार कहाँ अवशेष रहा व्यभिचार दिखाई देता है। हर व्यक्ति भेड़िए से ज्यादा खूंखार दिखाई देता है। कलुषित भावना छिपाए ही अब प्यार दिखाई देता है। जिसका भी देखो तीर जिगर के पार दिखाई देता है। वाह वाह। जिसका भी देखो तीर जिगर के पार दिखाई देता है। स्वार्थ में सना हुआ सारा संसार दिखाई देता है। स्वार्थ में सना हुआ सारा संसार दिखाई देता है। है विघ्न व्यवस्था पर न कहीं उपचार दिखाई देता है। विघ्न व्यवस्था पर न कहीं उपचार दिखाई देता है। ये संविधान ही अब हमको बीमार दिखाई व्यवस्था पर न कहीं उपचार दिखाई देता है। ये संविधान ही अब हमको बीमार दिखाई देता है। जागो नानक गांधी कबीर जागो गौतम और महावीर जागो श्री मोहन राय धीर वो रामकृष्ण जागो जागो। फिर भ्रष्टाचार द्वेष छल से कह दो भागो 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 भागो। बिना मेहनत के एक बंद हो गया। ज्यादा मेहनत नहीं लगानी चाहिए। एक बंद हो गया। जीवन भर जिन्हें भोगना वे अभिशाप दिखाई देते हैं। जीवन भर जिन्हें भोगना वे अभिशाप दिखाई देते हैं। पिछले जन्मों के शेष अभी कुछ पाप दिखाई देते हैं। अब पद भूले थे जिनसे वे फिर पश्चाताप दिखाई देते हैं। और फिर से आस्तीनों में पलते कुछ सांप दिखाई। वाह 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 वाह। पद भूले थे जिनसे वे फिर पश्चाताप दिखाई देते हैं। फिर से आस्तीनों में पलते कुछ सांप दिखाई देते हैं। जिसके ढंग जैसे भी हैं अपने आप दिखाई देते हैं। और छिन चुके साथ फिर भी भरते आलाप दिखाई देते हैं। छिन चुके साथ फिर भी भरते आलाप दिखाई देते हैं। जो भोले भाले से लगते चुपचाप दिखाई देते हैं। वही गद्दारी में देखो तो टाप दिखाई देते वही गद्दारी में देखो तो टाप दिखाई देते हैं। कल्याण कहाँ सब उल्टे जपते जाप दिखाई देते हैं। कल्याण कहाँ सब उल्टे जपते जाप दिखाई देते हैं। गोरे तो गोरे थे गोरों के बाप दिखाई देते हैं। गोरे थे गोरे अब गोरों के बाप दिखाई देते हैं। जागो बिस्मिल अश्फाक घोष जागो ओ भगत संभाल होश जागो पटेल ले नया जोश जागो आजाद पुनः जागो। फिर एक बार माउजर अपना दागो दागो दागो। मैं निवेदन करता हूँ एक बार जोरदार तालियां आप सबकी हो जाए। बहुत ही सुंदर रचना। हमें बौखल ने कहा है कि 10 मिनट से यहाँ से लिफाफा मिलेगा वही समझो तब हमारे पास होगा। तो मैं चार पंक्तियां देखो हमको तो सबको देखना है यहाँ से वहाँ तक सबको देखना है। चार पंक्तियां देखे मोबाइल पर अभी किसी ने पढ़ा था मोबाइल पर किसी ने पढ़ा था चार पंक्तियां। फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई फिर हुई दोस्ती तगड़ी है। अच्छा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई फिर हुई दोस्ती तगड़ी है। रात रात पर बात हुई मुल्क बहू नावा झगड़ी है। और चार यार जब साथ में लेके वह के द्वारे पहुंच गए तब देखा वह लड़की तो दोनों पैन पे लिंगड़ी है। वाह 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 क्या कहने वाला। और एक एक रचना और देख करके
मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। वैसे तो मैं भी जैसे बौखल कहते हैं तुम्हें, हम भी तरह तरह की रचनाएं आपको सुना सकते हैं, लेकिन मेरा नाम वो जिन्हें लिख दिया गया है तो वहां से काट दिया जाएगा अगर मैं दूसरी रचना पढ़ूंगा किसी प्रकार की। मैं एक रचना इतिहास का पन्ना एक और खोलना चाहता हूँ योगेश जी, स्वागत है। एक इतिहास का पन्ना, अब केवल इतना देख ले कि एक उसका गौना दो दिन पहले होकर आया और दो दिन बाद औरंगजेब ने चूड़ा चंचला कुमारी जिनका नाम प्रभावती था उनसे शादी के लिए निमंत्रण भेजा, उसने इनकार कर दिया। तो राज सिंह से कहा कि आप हमारी रक्षा करें और राज सिंह ने भरे दरबार में वो बीड़ा रख दिया और उसको एक नौजवान चूड़ावन ने चबा लिया। और जिस समय वो सेना की अगवानी करके जाता है उसकी हरी रानी जो दो दिन पहले गौना लेकर आया है छज्जे पर देखते हैं कि हमारा आज पति सेना की अगवानी करने जा रहा है, वो खड़ी हो जाती है और श्रृंगार से भी ओज निकालने का प्रयास हमारा है। कठिन प्रयास होता है, करुणा से वीर रस निकल आता है लेकिन श्रृंगार से नहीं निकलता है। और देखे भारत की छत्राणियां कैसे होती हैं, तब मैं कहने जाता हूँ स्वागत दादा। आप हारी रानी को देख रहा है कैसी हारी रानी है, अप्सरा स्वर्ग की थी कोई या परीलोक की रानी थी, अप्सरा स्वर्ग की थी कोई या परीलोक की रानी थी, या विधि की लिखी हुई कोई अनुपम सौंदर्य निशानी थी, या शिल्पी ने निज हाथों से था गढ़ा चांद के टुकड़े को, यह भी संभव हो चांद कहा जाता हो उसके मुखड़े को, जितने बसंत थी लंग चुकी उतने श्रृंगार किए थी वो, मानो एक काम विजय के हित वह की तलवार लिए थी वह, ऐसी उस हारी रानी पर जब चूड़ावत की नजर पड़ी तो पल भर के युद्ध भावना बेबस होकर वही अड़ी, भेजा झट एक सिपाही को कुछ प्रेम निशानी लाने को, शायद अवसर था उचित यही कुछ अपना प्रेम दिखाने को। सैनिक जब महलों में पहुंचा रानी से आंखें चार हुई, तो आंखें तीर से दस कर मानो शरीर के पार हुई, सस्ता व बदन एक पल में बन गया तब तो सूरज प्रचंड, मानो ज्वाला मिटने ही कोई था उगल दिया अंगार खंड, डर कर नते हो सैनिक बोला उनमें भावुकता जागी है, अपराध क्षमा हो स्वामी ने एक प्रेम निशानी मांगी है, अपराध क्षमा हो स्वामी ने एक प्रेम निशानी मांगी है। बस प्रेम शब्द निशानी सुनते ही वो वीर सिंहनी जो बोल उठी, मानो घायल नागिन कोई विषदम से हेतु खोल उठी, वो बोल उठी तो मिश्रा जो इतिहास साथ में बोल उठा, वो बोल उठी तो धरती और आकाश साथ में बोल उठा, वो बोल उठी तो पतझड़ से मधुमा साथ में बोल उठा, वो बोल उठी तो गौतम का संन्यास साथ में बोल उठा, वो बोल उठी तो गौतम का संन्यास साथ में बोल उठा। बोली इस रूप रास से हर सिद्धार्थ शुद्ध हो जाते हैं, कोरे राजपुत्र से बड़ भगवान बुद्ध हो जाते हैं, कह देना राजपुत्री का न्योछावर रूप अंगारों को, है रूप देखना उनको तो देखें अपनी तलवारों को, है रूप देखना उनको तो देखें अपनी तलवारों को, दुश्मन के चढ़े निशाने पर है किंतु निशानी मांग रहे, सब पानी डार बताते हैं पर खुद ही पानी मांग रहे, अरे सुनकर रणभेरी ही उनके मन में पौरुष जागा होता और था उन्हें मांगना ही फिर तो मेरा लोहू मांगा, वाह बाबा, था उन्हें मांगना ही फिर तो मेरा लोहू मांगा होता, दूंगी लेकिन बतला देना इसमें राणा का पानी है, पद्मिन दीदी के जौहर की इसमें ही राख निशानी है, बंदी भारत माँ की इसमें ही बंदी करुण कहानी है, और इसके अंदर ही भरी हुई हर हर बम बम की बानी है, इसके अंदर ही भरी हुई हर हर बम बम की बानी है। इतना कहकर तलवार उठा उसने सर धड़ से अलग किया और कांपते करों ने
सैनिक काफते करूं से सैनिक ने वो प्रेम निशानी उठा लिया, काफते करूं से सैनिक ने उस वो प्रेम निशानी उठा लिया। एक कविता थी जो भारत की छत्रानियों के ओज का वर्णन करते हैं, कैसी छत्रानियां होती हैं। और चलते चलाते एक रचना मैं और पढ़ करके वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं जब जब धर्म धरा यह डोली है, इतराई अन्यायी दलितों की टोली है, त्रासित जनता जब जय श्री नायक बोली है, तब करुणा निधि ने आग सदा खोली है। मानव का रक्त रूप भार भूतल का सदा हटाया है, अपने दुष्टों अपने संतों की लाज रखी, दुष्टों का ताप घटाया है। बस इसी तरह भगवान राम दशरथ नंदन बनकर आए, बस इसी तरह भगवान राम दशरथ नंदन बनकर आए, संतों का ताप मिटाने हित खुद ही चंदन बनकर आए, पापी सट और निश्चरों के हित वह क्रंदन बनकर आए, और भारत माँ का बोझा ढोने हित वह सिंदन बनकर आए, भारत माँ का बोझा ढोने के हित वह सिंदन बनकर आए। रच वाल्मीकि ने कथा किया कविता ने अभिनंदन जिनका, रच वाल्मीकि ने कथा किया कविता में अभिनंदन जिनका, लिख करके पावन चरित्र या तुलसी ने पद बंधन जिनका, जिनकी है अलकापुरी और ये है कानन नंदन जिनका, संतों ने घुमा दिया घर घर कलयुग में है सिंदन जिनका। और लोग कहते हैं कि राम मंदिर बना है तो गिर जाएगा, हम गिरा नहीं सकते, ये एक बात उठती तो मैंने कहा है उनके मंदिर में बाबर के वंशज क्या टांगर आएंगे, उनके मंदिर में बाबर के वंशज क्या टांगर आएंगे, फारस के लंगड़े बैसाखी से यहाँ अयोध्या आएंगे, कौओं के संग में हंसों के संग में ये कौवे कितने दिन तक उड़ पाएंगे। इससे निर्माण करो निर्भय होकर, मत संग करो मन में, तुम वीर भरत के वंशज हो कुछ तो पुरुषार्थ भरो तन में, ये मत भूलो तुम हिंदू हो, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, अपमान नाम का यदि होता तो वो अपमान तुम्हारा है। वाह 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 वाह